करेरा नगर में प्रयास एकेडमी का तृतीय गौरव सम्मान समारोह संपन्न हुआ। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण सम्मान समारोह नहीं किया गया था, जो आज एकेडमी से चयनित हुई छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा सरस्वती जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। एकेडमी के संचालक विजेंद्र चौरसिया सौरभ गुप्ता द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण किया गया। जिन छात्र छात्राओं का चयन हुआ, सभी का अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। चयनित छात्र छात्राओं में मध्य प्रदेश पुलिस 2021-22 लिखित प्राथमिक स्तर परीक्षा में 42 छात्र, फिजिकल द्वितीय स्तर 29 छात्र, मेडिकल में 14 छात्र, फाइनल 12 छात्र, एसएससी सीजीएल ऑडिटर 1 छात्र, शिक्षा विभाग 3 छात्र सम्मानित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीआईजी आईटीबीपी सुरेंद्र खत्री, विशिष्ट अतिथि एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला, एसपीटी डिप्टी कमांडेंट कमलेश कुमार कमल, अध्यक्षता धर्मेंद्र चौरसिया, प्रभुदयाल शर्मा, सतीश श्रीवास्तव, संजय दुबे, प्रमोद भारती, प्रमोद चौरसिया, पत्रकार बंधु सहित छात्र छात्राओं मौजूद रहे। कार्य को अंजाम दिया। पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी बन गई, जैसी भी पॉलिसी है, लेकिन उस पॉलिसी का कोई प्रभाव नहीं जब तक कि एक अध्यापक जो कि एक दूर दराज के गांव में पढ़ा रहा हो वो अपना कार्य शिद्दत से ना करे। मैंने कई रिमोट एरियाज में देखा है कि विद्यालय खाली रहते हैं, उसमें कोई ऊपर वाले ने आके बदलाव नहीं करना, बदलाव आप ही ने करना है, आप ही ने बदलाव करना। कई चिकित्सालय मैंने ऐसे देखे हैं जहां पे कि रिमोट एरियाज में जाके ना डॉक्टर साहब जाते हैं ना पैरामेडिक साहब से। हु इज एट फॉल्ट? वी आर एट फॉल्ट, यस वी आर एट फॉल्ट। नौजवान जिनकी सिलेक्शन हुई है उनका मेरा एक ही आप लोगों ने प्रण लेना है कि मैंने अपना कार्य शिद्दत के साथ करना है। अगर 100% नहीं तो 90% मैं अपना पक्का करूंगा। और आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी शायद सिलेक्शन नहीं। उससे है तरबूजों में मीठा रस आता है, कड़ी धूप से तरबूजों में मीठा रस आता है, और आमों में भी पककर मीठा रस भर जाता है। कड़ी धूप जो सह लेते हैं जीवन पथ पाते हैं, कड़ी धूप जो सह लेते हैं जीवन पथ पाते हैं, और जो छाया में गए बैठ बस बैठे रह जाते हैं, बस बैठे रह जाते हैं। और बच्चे उसके लिए प्रयासरत हैं बहुत। इस सारी चीजें यहाँ पर किसी ने कविता के माध्यम से, किसी ने आध्यात्मिक और आत्मज्ञान देते हुए बातें करते हुए सभी को प्रेरित कर चुके हैं। लेकिन मैं एक व्यवहारिक बात जरूर कहूंगा कि पढ़ाई के लिए केवल पुस्तकों से प्रेम, प्रतिबद्धता और अनुशासन, तीन चीज की जरूरत होती है। और जब आप इससे प्रेम पुस्तकों से करने लगोगे, जैसा भी सबने कहा था, सेक्रीफाइस करना होता है। हमारे समय में तो मोबाइल नहीं होते थे लेकिन दोस्त लोग आते थे, बहुत सी चीजें, टेलीविजन, बहुत रिश्तेदारियों, ये सब, ये त्याग का समय होता है, तपस्या का समय होता है। पढ़ाई उस समय आपको त्याग और तपस्या ही करनी है, और सभी बच्चों को ये बात मालूम भी होती है लेकिन मन में नियंत्रण नहीं होता। इसीलिए प्रयास जैसी संस्थाएं आपके दिमाग को ट्रेन करती हैं और उसमें प्रयासरत रहती हैं और बच्चों को सफलता दिलाती हैं। अभी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सभी लोगों ने बधाई दी। मैं क्यों पीछे रहूं, उन्हें शुभाशीष भी देता हूं, बधाई भी देता हूं, उनके परिवार को भी देता हूं। जो बच्चे अभी इसमें लगे हुए हैं उसके लिए बस केवल दो चीज बोलूंगा। उसमें हमारे देखिए, हमें प्रेरणा लेने के लिए बाहर की जरूरत कब पड़ती है, कब हमें प्रेरणा अभी जरूरत, ये क्या है, स्कूल्स, ये सब हमें अनुशासित बनाते हैं कि समय हमारा है, समय में ये फिजिक्स पढ़ने का समय, ये हमारे गणित पढ़ने का समय, ये और रेगुलर होना, ये सब हमें अनुशासित बनाते हैं। तो हमारे दिमाग के कंडीशन करने के लिए ये जरूरत है। प्रेरणा तभी पड़ती है जब हम अपने जो जीवन में इस तरह की चीजों को आत्मसात नहीं कर पाए, तो ये संस्थाएं आती हैं जो हमें आपको बताती हैं। तो पहली बात है संस्कृत में है, उसको बाद में सभी को मालूम है, शब्द इतने सरल है कि उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुस्तस्य सिंहस्य प्रविशन् त्रिमुखे मृगा।
कुछ भी पाने के लिए हमें प्रयास करना होता है, उद्यम करना होता है। और क्यों, सोते हुए शेर के मुंह में कोई हिरन तो घुसता नहीं, और इसलिए उद्यम करना है। लेकिन उद्यम कैसा होना चाहिए? कॉमिटेड होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि कमिटमेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एंड लव योर बुक्स। और एक अंतिम बात कह के बिल्कुल बोलूंगा, सभी समझते हैं, सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन इससे विचलन होता है। हमारे जो मन है वो किसी पता नहीं कौन सी कथा में ऐसा कुछ था कि कौन सबसे तेज है, यक्ष ने पूछ लिया किसी से तो बताया कि मन, तो थोड़ी देर में वो अभी बनारस जाता है, कभी उज्जैन चला जाता है, कभी हमायल चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। इसके लिए ही ये जरूरत है कि हम अपना अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें। अभी बताया एक बड़ी भारी कविता थी, बहुत भारी भी थी, बड़ी सरल भी थी, कि हमें अपने केवल देखना होता है वो मछली की आंख। तो अभी आपकी पढ़ाई और आपकी सफलता मछली की आंख है, केवल उसी को देखो। और सब लोगों के लिए एक है अथर्ववेद में एक मंत्र कि संग गच्छध्वं सं वदर्धं यह सो मनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। मैं इस बात से समाप्त इसलिए कर रहा हूं कि हमारी उदात्त भावनाएं जो होती है पढ़ाई में, संग गच्छध्वं सभी साथ चलो पढ़ाई के लिए, जब बैठो बढ़िया सभी साथ, मतलब मतैक हो बढ़िया आराम से चलो, और संवदर्धन सभी साथ बोलो। ये जो स्कूल्स की बात मैं कह रहा हूं, पहले वैचारिक डिसीजन लेने की क्षमता ऐसे ही आती थी अथर्वेदीय संस्कृति में, आर्यन संस्कृति में ये था कि संगच्छध्वं संवदर्धन यह सो मनांसि जानताम, ये सब जान करके करते थे। इसका मतलब यह है कि जब हम साथ बैठते हैं तो हमारी भावनाएं कलुषित नहीं होती, उनमें उदात्त होती हैं, महान होती हैं, बड़ी होती हैं। और यही काम सब हमारे चौरस सहकर्मी प्रयास एकेडमी में जिस कार्य हेतु उपस्थित हुए हैं वह बड़ा महत्वपूर्ण है। जो जन्मदाता हैं उनको सम्मानित किया गया है यहाँ से, तो जन्म देने वाला सबसे बड़ा होता है, ईश्वर के पश्चात वही है। कुछ शब्द हैं मेरे जहन में, बस मैं वो उनके पर चर्चा करूँगा और दो मिनट के समय में, क्योंकि मेरे इतने विशाल व्यक्तित्व को के साथ मैंने मंच साझा किया है। मैं धर्मेश चौरसिया, केंद्रीय विद्यालय में प्रयास। प्रयास में सफलता और असफलता जो आप लोग दो शब्दों पे हम झूलते रहते हैं पूरे जीवन भर, तो देखा गया है एक चीनी फ्रेज है कि जब हम कभी गिरते हैं तब भी हम कुछ आगे बढ़ चुके होते हैं। तो सफलता और असफलता कुछ नहीं होती है, कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है जब आप सीखते हैं। मैंने बीएससी किया है, एक ही स्थिति में हूं, वही सफलता। केवल आप समाज से ग्रहण करते रहें ये आपकी असफलता है। कुछ ऐसा करें, भले ही आप उसको रोजगार से ना मापें, बेरोजगारी से ना मापें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दो चीजों के पीछे भाग रहा है, पावर और मनी। आप में से बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, पावर या मनी? तो दोनों को साध्य करने के लिए आपको उस दिशा में प्रयास करना होगा। आप देखते हैं कि तेंदुलकर बना तो उसके पीछे उसके भाई और उसके पिता का हाथ है। 10 सालों तक 18 किलोमीटर दूर स्टेडियम में असहज महसूस कर रहा हूँ। यहाँ इतनी हाई डिग्निटीज यहाँ विराजमान है, मुझे अपने आप में थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा है बोलने में। लेकिन जैसा कि प्रभु राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ रावण मृत्यु सैया पर है और जाकर कुछ ज्ञान प्राप्त कर, तो लक्ष्मण जी आदेश पाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए और रावण के सिरहाने खड़े हो, तो रावण कुछ नहीं बोला, मृत्यु से यहाँ पर पड़ा रहा। वो लौट कर आए कि रावण तो कुछ नहीं बोला, अपने भाई से कहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ खड़े हुए थे? तो बोले मैं सिरहाने खड़ा हुआ था। तो बोले तुम उनके सिरहाने खड़े हुए थे, उनके पैरों में खड़े होते, पैरों में गिर पड़े होते तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता। निश्चित रूप से जो यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, इनके चरणों को पकड़ के अपनी नैया पार करें और अपने ज्ञान पर कभी घमंड ना करें।
क्योंकि घमंड जो है आदमी को रसातल में ले जाता है। इसके पीछे भी मैं एक छोटी सी